हेलो दोस्तों, थोड़ा स्वागत है अपने चैनल टैक पंजाबी विच। अज आप गल करांगे कि रीपर रीपर का पिछला पैर हुंदा है, जो कोई पमीरी भी कह लेंदे ने। आपां इहनूं पैर कहांगे जां ब्लेडां वाली जिथे खसींदे ने, ओह तुसीं आप ही समझ लेना। ते इह सारा टुट गया सी सीजन विच, ते दोबारा फिर असीं इदां ही वैल्डिंग करके इहनूं कोई जगाड़ लगा के बस इदां ही आपां इहनूं फिट कर लिया सी। ते ये बहुत ज़्यादा हॉट है, इनका बैलेंस भी कोई नहीं है, कभी कितने जाता कभी कितने जाता है, बैलेंस इनका सैट करने वाला है। तो आप इस करके इनू आप नवा ही तैयार करा, इसे आप पत्तियां लैके तो उन्होंने वाल पाउन चले गए। ये पत्ती 3 इंच चौड़ी सी, तकरीबन 6 तू प्लस ही सी, सूत चौड़ी सी। इन असी उस हिसाब से वाल पा लेंगे जिस हिसाब से साडा रीपर सी। साडा रीपर जिदा 18 इंच सी उच्चा, ये असी 13 इंच के करीब इन्हों असी रखा। इनके उपर वाल पवा के सैटिंग करके दो प्लेटा कर लिया गया सी, उन्होंने असी सैटिंग करवा के कर ले। तो इस कंपलीन विचकार फिट करके ये आप पैर जो वाल पवा के लेंदे सी, इन्हों आप दोनों विचकार सेंटर विच करके पूरी मिनती से इन्हों करके रख लिया। पूरे लेवल विच निके निके टच लगावांगे, उस तो बाद इन्हों देखांगे फिट करके। निके निके टच लगा दें, आपां इहनूं वैल्डिंग करना गया तुहानूं पता ही होगा कि अगे पिछे करना है। एक पहली साइड और एक इधरली साइड लगा देना है, उहदे नाल कि इहदे विच फर्क नहीं पैंदा। अभी तो जिधर वैल्डिंग लगावांगे एक टोर्च लगावांगे उधर नूं ही लोहे नूं खिंचदा है, इन्ना को आपां ख्याल रखना है। आपां कंपलीन नहीं फिट पहला करनी, तुसीं कंपलीन नाल पहला वैल्डिंग करिया जे। ये पिछे वैल्डिंग करांगे जां कोई आपां फर्क रखना होवे उपर हेठां दा तो आप कर सकते हैं। ये आप फिट करके देखते हैं, बिल्कुल सही होया फिट। प्लेन आप वैल्डिंग नहीं करी, बस इदा बच्चे पा के उन्हें प्लेटा तो आप चेक करके देखे, बिल्कुल सही हो गया है। ये दो प्लेटा सी, एक प्लेट आप कट के उन्हें उपर लगा देंगे। बस इंदे विच जो जिहड़ी कंपलीन है वह आपां बाद च वैल्डिंग करनी है, उहदे उपर फिट करके पिछे देख के भी किन्ना नीवा आपां रखना उस हिसाब से फिट करांगे इहनूं। ये आपां इहनूं एक वारी दोवें पैर आपां लगा लैने, ते इह तुहानूं मैं दस दिंदा। ये आपां इहनूं आपां रख्या एक फुट ते रख्या, पर आपां उस हिसाब से 1 फुट 1 इंच से बाकी 13 इंच से आपे वाल पवाया इतों। बस ये बाद ही रख लिया, क्योंकि वाल पैन लगे थोड़ा जहा फर्क पै जाता। कोई ज़्यादा ये चीज़ लंबी हो जाए तो इतों कटा दिया जी, तो ये तुसीं अपने हिसाब नाल उपरों इसकी लंबाई देखो। तुसीं इसकी लंबाई तकरीबन अपने 13 इंच के करीब है, 13 इंच के करीब है। इसमें अपन साडा रिपर है 18 इंच, रिपर की लंबाई तो दस ये देखो वो पलाता
ये आ गया देखो 18 इंच रिपर, 18 इंच उच्चा रिपर है। तो आप जो हिसाब लगाइए इन दे विच दा तो वो तुहानू मैं दस दिना, ये अपना रिपर हैगा, ये 6.5 फुट रिपर है। इनू आप बार दे इंच कट के अपने को विचकारला एरिया 74 रह जाएगा। ये दोनों साइड का विचकारला एरिया 74 अपने को रह जाएगा। 74 इंच अपना पूरा रिपर है। आप सारे बार की लंबाई रखनी है 70, 2 इंच इधर छड़ देना, 2 इंच उधर छड़ देना। मैं तुम्हें दिखा देना इनकी लंबाई कितनी है। देखो 70 है, 70 के करीब ही है। बस आप इन्नी रखनी है क्योंकि थोड़ा जहाँ ब्लेड बाहर कट सकते हैं, ब्लेड थोड़ा जहाँ बाहर कट के रखना है ताकि सफाई भी ज़्यादा आएगी। तो जो एक प्लेन तुम फिट करके एक तू भी लैके देख लेना, ये 3 इंच एक पास बोल हों खुला हों एक पास सड़ा हों, ये साइड खुला ये साइड सड़ा। ये देखो ये अपने इतना फिट आ जाएगी। वो अपना सारा शिकंजा जोड़ा अपन इन उपर फिट करके तो फिर आप देखा इन फिट वैल्डिंग करा आप कि नीवा रखना। उन्होंने अपने को 13 इंच की लंबाई है थले, और जोड़ा अपना बनाया है जो पंबीरी जो बनाई आप 13 इंच थले रखना। उन्होंने आप देख लेंगे फिट मौके पर करके देख लेंगे, फिर आप इन वैल्डिंग करा पक्का करा। इन एक बार हूँ काम चल रहा है। ये आप दो सपोर्टा लिया सी वाली, ये पट्टी देखो 2.5 इंच, 2.5 इंच तो 4 सूत्र, 2.5 इंच 4 सूत्र इस सपोर्ट वास्ते रखी थी। इन आप सपोर्ट देनी है इतों इदा करके इदा ना ला के सपोर्ट इन दे देंगे, इन मजबूती ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि इन प्रॉब्लम इन्हों की आती है, ये टुट जाते हैं जो विंगे हो जाते हैं। ये सपोर्ट इधरों ला के एक सपोर्ट आप इतों लावे थलों सीधा, ये आप दोनों साइडा सपोर्ट लगा देनी। देखो आप बोर मैं खराब तो करवा के लिया, ये आप उत्ते वैल्डिंग करा सैटिंग करके काटरा सैट करके। आप पहला वैल्डिंग इन करना, आप काटर देख के इन वैल्डिंग करना भी काटर कितने आदि पीने, नहीं तो फिर दिक्कत बाद आएगी। काटर देख के आप वैल्डिंग करना है, जो गेयर उपर काटा के टक लगे ने उन्होंने बराबर ही आप इन सैट करना है। आप इस जो आप वैल्डिंग करना है ये एक प्लेट पर वैल्डिंग करनी है, थले वाला पहला वैल्डिंग करके उन्होंने अपने लेवल में रख के दोनों साइडा दोनों सिरे लेवल च करके ये दोनों देख लेना, दोनों सिरे लेवल च करके पूरे सेंटर के विचकार पत्तियां दे सेंटर के विचकार दोनों वैल्डिंग करने ने। तो फिर आप इस उपर दूजी प्लेट वैल्डिंग करनी उपर वाली। हुण बाकी आपां सपोर्टा साइड वाले लगा के दोनों साइड दी एक केवल सपोर्ट, एक केवल सपोर्ट
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੈੱਟ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੱਟਣੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਉੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਿਰੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਪਰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਟਾਂ ਪੈਦਾ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਪੋਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਪੋਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਪੋਟ ਲਗਾ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੋਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਇਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੇਡ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਬਲੇਡ ਚੱਲਣਾ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸਪੋਰਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੀਪਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਪਲੀਨ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿੱਟ ਕੰਪਲੀਨ ਇਸੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਨ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਨੇ ਕਾਟਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਟਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪੱਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਛੇਕ ਛੁਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਫਿੱਟ। ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿੱਟ ਚੈੱਕ ਨਾਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ
बन गया। सही तरीके बन गया, बस कोई इन ज़्यादा एक बराबर ही वेट है दोनों साइडों से, बस तुम्हें ज़्यादा लगे तो थोड़ा कणा कर लिया जे, लेकिन अपना बिल्कुल सही रिपर ये बनया। हुण आपां इहनू सीधा कर लवांगे, मैं फिर तुहानू दसांगा अगे थल्ले आपां चला के देखांगे वी थल्ले आपां किन्ना कु पोचा रख्या है, किन्ना की हिसाबता है वो तुहानू मैं वीडियो 'च दस देना, अगे तुहानू पता लग जाएगा। तो ये देखो आपां इहनां को क्या रखना है कि अपने जो ब्लेड कसते ने उहदे उपर ना किसे सपोर्ट लगा दिया जे, दूजी साइड सपोर्ट लगेगी एक दूजे पासे, एक दूजे पासे जिधर नूं ब्लेड कसन लगना है जिधर नूं ब्लेड का मूह होगा उधर नूं आपां सपोर्ट लाउणी उहदे पिछली साइड लाउणी है, इन्ना कु जरूर ख्याल रख लिया जे। ये आपां कर लिया रीपर सीधा, ये आपां जिहड़ा पैर बनाया सी ये देखो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो वीडियो चंगी लगी तो वीडियो में लाइक जरूर कर देना, जे इस तरह की होर वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो बैल आइकन को भी दबा लो ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहन जो वीडियो मैं पाव, और मैं बहुत सारी वीडियो इदा दाँ पाँदा रहना। थैंक यू दोस्तों।